सूचना मिला कि एक घर में सांप निकल आया है, तो मैं और मेरा टीम पूरा आए हुए हैं। अभी देखते हैं, खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप लोग देखते रहिए यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपका दोस्त भास्कर मिश्रा। ये चीती सांप है, जहरीला, जिसको हम लोग रेस्क्यू किए हैं अभी। डब्बा है, डब्बा मैडम। और इस चीती सांप के साथ हम लोग अभी रेस्क्यू किए हैं। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, ये इसे घर में घुस आया था, तो हम रेस्क्यू करके निकाल रहे हैं। डब्बा है मैडम, बंद करेंगे। छोटा एक डब्बा दीजिए। छोटा होने के कारण अभी इसको जो है हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, ये दूरी रहे उतना अच्छा है ना। अब देख सकते हैं इसको, चीती सांप, चीती करैत भी बोला जाता है क्या? ऐसे कोई सांप अगर काटे तो तुरंत जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। छेद छेद करना होगा, मर जाएगा नहीं तो। अरे रखते हैं दूसरे तरफ से पिनिंग करें। अभी इसको हम लोग सांस लेने के लिए जो है ऊपर हाँ छेद कर दे रहे हैं। काट उठे नहीं है क्या? ऊपर में ढक्कन में छेद कर दे, सबसे बेस्ट। अभी ये सुरक्षा, ये आराम से डब्बा में पैक हो चुका है अभी, और सांस लेने के लिए अभी छेद किया जा रहा है इसमें, जैसे ये ठीक रह सके। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा है ये, और ये इसको और थोड़ा सा बड़ा कर। ये चीती सांप है, ढक्कन इतना अस्त व्यस्त होने के कारण जो है ना, बाहर से सांप आ जाता है, घर बना लेता है, तो इसको थोड़ा साफ सुथरा रखिएगा। हाँ। समझ गया ना, क्योंकि कोई भी सांप आ जाएगा मेढक पकड़ने के लिए और अपना घर बना लेगा। छोटा सांप, बड़ा सांप, मान लीजिए छोटा सांप है, पता ही नहीं चलेगा, तो काट लेगा, बाइट कर।